मिडिल क्लास फैमिली से कितने लोग हैं यहाँ पे? ऑलमोस्ट सब है बेटा, तू भी हाथ उठा रहा था भाई, जस्ट उतरा। सो वी ऑल आर मिडिल क्लास पीपल राइट। अपने घर में सेट होता है, अपने घर में लोग टेंशन बहुत लेते हैं, माँ को अलग टेंशन होती है। माँ की टेंशन क्या होती है? माँ की टेंशन ये होती है भाई साहब, मैं बता रही हूँ, अगर मैं दो दिन घर से बाहर चलेगी ना जी, इस घर का पता नहीं क्या हाल होगा। अपने माइंड में अलग चलता है कि माँ जाती क्यों नहीं दो दिन घर से बाहर, दो दिन घर से बाहर जाए हमें तो मजा आए, चार लौंडे बुलाए एंजॉय करें। अपने सेट रहता है। पापा की अलग टेंशन, पापा की टेंशन होती है खच्चर को मैं क्या खिलाऊं। खच्चर से मतलब हमसे होता है, क्योंकि हम करते तो कुछ है नहीं, खच्चर है। अपने मोहल्ले, अपने माइंड में अलग टेंशन, अपने माइंड टेंशन रहती है कि यार अपने मोहल्ले की उस कल्लू से लड़की सेट होगी, हमसे क्यों नहीं हो रही। फिर माइंड में दिमाग चला गया, हम तो स्मार्ट भी हैं, गोरे भी, तब भी क्यों सेट हो रही। अच्छा ये छोड़ो भैया, बंदे हर बात की टेंशन लेते हैं इंडिया में। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, सबको कंबल मिल गया, आपको नहीं मिला, आपको टेंशन हो जाएगी क्या सबको कंबल मिल गया मुझे क्यों नहीं मिल रहा। फिर आप दिमाग चलाओगे, साइड वाले से पूछोगे भाई सुन कंबल मिल गया, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से, कंबल मिल गया, हाँ भाई मुझे दो घंटे हो गए मेरे, तुझे नहीं मिला। क्योंकि हम इंडियन को जलाने में बड़ा मजा आता है, दूसरे को तड़पाएंगे। फिर आपका माइंड घूमेगा यार, मतलब इसको भी मिल गया, बल्कि मैंने 200 रुपए फालतू दिए टीटी को, तब भी मुझे कंबल नहीं मिला। फिर आप चुपके से नीचे उतरोगे, फिर आप उस बंदे के पास जाओगे जो कंबल दे रहा, उसके पास जाके बोलोगे सुन भाई B2 में सीट नंबर 32 में जो सो रहा है उसको ठंड नहीं लगती, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से जिससे मांग रहा है। B2 में 32 नंबर जो बंदा सो रहा है ठंड नहीं लगती, भैया मुझे नहीं पता लगती है, हम है B2 32 नंबर पे जो सोने वाले, लाइए कंबल दीजिए। फिर जैसे ही वो कंबल देगा मना कर देंगे, यहाँ नहीं लेंगे, हम जाके सो रहे हैं वही कंबल लेके आना। फिर जैसे ही वो कंबल लेके आएगा ना आपके पैर पे यूं मारेगा, भैया कंबल ले लो, आप उठो भी नहीं क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से, भैया कंबल ले लो। फिर आप साइड वाले को उठा लो, भैया आपको बोल रहा है, भैया आप ही से बोलो ला दो ना फिर कंबल। सो अपना सेट रहता है कि भैया ये चीजें इस तरीके से चलेंगी। अच्छा आप में से कितने लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं भाई, फ्लाइट वाले? अच्छा लव टू ट्रैवल इन ट्रेन गाइस, पर दिक्कत कब होती है? दिक्कत होती है सुबह सुबह। बड़ा अच्छा लगता है कोई पाइल्स में पीड़ित व्यक्ति हंसे, छोटी। अब आपका माइंड गोल, अब आप कहते हो भाई क्या करो, कुएं को पानी के पास ले आया जाए, जब पानी को कुएं के पास लाया जाए, आप कहते हैं ठीक है फिर कुएं को ले जाते हैं। अच्छा पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, शायद आपको बात समझ में आए तो रहम नहीं हम देते नहीं रहम। अब जब अगली बात कह रहा हूं अगर आप तक पहुंचे तो मुझे बताना भाई कि हम इंडियन खास ले भाई केजरीवाल, हम इंडियन जो अपने बाथरूम के डब्बे को भी चेन से बांध के रखते हैं और एक पाकिस्तान वाले सोचते हैं हमें कश्मीर दे देंगे, मगर लालत है, मैं अगर हिम्मत है तो कश्मीर छोटे डब्बा निकाल के दिखा, मगर सारे मर जाएगा चेन तोड़ता तोड़ता, ये नहीं टूटेगी मुझसे, ये लिटरली ऐसा होता है, मगर तोड़ के दिखा साले तेरे अंदर हिम्मत है तो। अच्छा कुछ ऐसे काम होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जो पेरेंट्स में पापा ने करने, जैसे कि जाले साफ करना, जैसे कि पंखा साफ करना, और पति पत्नी ज्यादा प्यार है तो फिर पोछा मारना, संडे का दिन है बर्तन साफ करना, इसके पापा करते हैं। और वास्तविकता में ये काम पापा करते हैं, पर इन पापा को ना काम करने के बाद कोई वो नहीं मिलता, मतलब उनका तारीफ नहीं करता है। जैसे मैं दिवाली के टाइम पे मेरे पापा ने पंखे साफ कर दिए, अब घर में किसी को नहीं पता पंखे साफ, डाइनिंग टेबल पे खाते खाते खुद बोल रहे रोए, मैं कहा पापा पंखे तो साफ लग रहे हैं आज, मैं कहा पापा लग तो रहे, तुम तो करोगे नहीं ना, मुझे करने पड़ते हैं ना पंखे साहब, मैंने किए हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने किए हैं। ये पापा के प्यार होते हैं। अच्छा घर में एक व्यक्ति होते हैं जिन्हें दादा कहते हैं, राइट, हर किसी घर में दादा होंगे, मेरे घर में भी दादा है, आई लव माई दादा। पर दिक्कत कब आती है, मैंने सुना दादा को थोड़ा सा मूड फ्रेश करवाता हूँ, मैं कहा दादा एक काम करते हैं, संडे का दिन है आपको फिल्म दिखा के आता हूँ, अच्छी फिल्म है मर्डर रूम। दादा मुखड़े पापा को, बेटा मैंने नहीं जाना पूरे टू देखने के लिए, पापा धार्मिक फिल्म देख लो क्या दिक्कत हो।
ऐसा नहीं करना सीरियस में, जरा कर नहीं सच्ची में, मेरे माँ का दादा देख लो मटर टुकड़ा, मैं मतलब क्या दिक्कत है बेटा, मुझे गमलों में पानी देना। मैं गमलों में पानी देना कौन से देश की सबसे बड़ी समस्या है? दो मिनट लगा भाई, दो और चलो। फिर यही दादा होते जो मोहल्ले में बैठे होते बाहर, फिर कह रहे होते बेटा खुद देखा है फिल्म में लोग, हमने कहा था मुंह पोपड़ा हो गया, फिल्म दिखा दो मटर टू दिखाते ही नहीं है। मगर दादा पहले गए तो देखी गई नहीं तुमने, तो ये सेट होता है हमारे घर में। अच्छा मैं एक चीज बताऊ, साबुन राइट, हर कोई यूज करता हो घर में, किस्सा साबुन का ध्यान से सुनना, हंसने की बात नहीं है, आई एम वेरी सीरियस। किस्सा साबुन का आपको पता है पहला साबुन कब आया था? पहला साबुन आया था 18वीं सदी में। उससे पहले लोगों के पास साबुन नहीं होते थे, उससे पहले लोग अलग तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि पत्ते हो गए, पत्थर हो गया, चिकनी मिट्टी हो गई, हाथ साफ करने के लिए, अपना दिमाग गंदा मत दौड़ाओ, हाथ साफ करने के लिए। उसके बाद पहला साबुन आया 18वीं सदी में, जिसका नाम रखा गया लाइव बॉय। इस साबुन का नाम सिर्फ मर्दों वाला था, बाकी पूरी फैमिली से यूज करती थी, और उसकी टैगलाइन थी लाइव बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, मतलब जहां पे लाइव बॉय नहीं वहां तंदुरुस्ती है ही। और ये मतलब इस साबुन का इस्तेमाल पूरी फैमिली करेगी, इस साबुन का इस्तेमाल चाचा करेंगे, पापा करेंगे, दीदी करेंगे, मम्मी करेंगे, फूफा करेंगे, सब करेंगे। फिर इस साबुन को वो चाचा यूज करेंगे जिनका पेट खराब है, रगड़ के हाथ धोएंगे। और फिर अब देखो घर में परिवार के शिष्टाचार कैसे दिखा जाता है, वो कैसे दिखाया था कि दादी रात को खाना खा रही होगी, खाना खाते खाते पापा कहते हैं क्यों दादी जी, क्या समझती हैं बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, चलिए हाथ धोइए खाना खाने से पहले। फिर दादी खोल के हाथ धोएंगी, फिर उसी साबुन से मुंह धोएंगे। फिर दादी छूटते गए, लल्ला तेरे साबुन से खुशबू तो बहुत आती, क्यों नहीं आएगी खुशबू, चाचा जी ने हाथ धोए थे उनका पेट खराब था। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मिडिल क्लास फैमिली, मतलब मिडिल क्लास फैमिली। सो एक और चीज होती है मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, मिडिल क्लास फैमिली ने बांटना सिखा दी, यू नो व्हाट, पहले हम क्या करते हैं, पहले घर बांटते हैं। एंड दिस इज फॉर द वुमेन्स डे स्पेशल, जो मैं कुछ कहने वाला हूँ शायद आपके दिल तक पहुंचे, तब तालियां चाहूंगा कि मिडिल क्लास फैमिली में बांटना सिखाती है, पहले हम घर बांटते हैं, फिर हम जायदाद बांटते हैं, और एंड में हम पेरेंट्स को बांट लेते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, सब कुछ बांटना, पर जिन्होंने हमें पैदा किया उनको मत बांटना। I'm going to go to the next one.